बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर में और माशाल्लाह आप देख रहे हैं लाहौर के बड़े सीनियर और मोतबर नाम आज एक ही जगह पे इकट्ठे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उस्ताद मलिक बिलाल साहब उनकी तरफ और मंजर आप देख ही रहे हैं कि सब दोस्त आज इकट्ठे हुए हैं। पिछले दिनों एक इशू क्रिएट हो गया था, यानी ये कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई थी। आज उसको दूर करने के लिए हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशगवार माहौल में बहुत अच्छे अंदाज से तमाम मामला खुश से तय पा गए हैं और जो गलतफहमियाँ थी वो सारी की सारी दूर हो गई हैं। और मैं चलूँगा सबसे पहले हाजी तावला साहब की तरफ। जी हाजी साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आप साहब आए सन जी साढ़े भाई ने उस्ताद सनाउल्ला से उस्ताद अफरमानल्ला साहब की कोशिश थी, सारे दोस्तों ने मिल बैठ के जो गिले शिकवे भी खत्म हो गए हैं साढ़े भाई ने उम्मीद है इंशाल्लाह भी अगो भी साढ़े ना मिलके ही शो करें। जी उस्ताद ने जी बुलाया जी, अब साहब आए ने भाई ने साढ़े गलत फहमी ने दूर हो गई हैं, लिहाजा इन्होंने इंशाल्लाह कप भी उड़ावे, इंशाल्लाह बाजियां भी उड़ावे, बेहतरीन दोस्तों ना माहौल शौक होगा इंशाल्लाह। जी आज साहब तुम दसो जी भाईजान, जो भी साढ़े कोई थोड़े बहुत इतलाफ हो जाए हर जगह से हो जाते हैं। देखो अभी सारे कबूतर बाद भरा गए हैं, इतलाफ तो होते रहते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन अभी बड़े अच्छे तरीके बैठ गए हैं। बता थोड़े भाई ने सारे का साढ़े इतलाफ खत्म हो गए हैं, किसी की कोई रंजिश नहीं, तो बड़े प्यार और मुहब्बत न हो गए जिले जिले से कोई खत्म हो गए सारे साढ़े। जी अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो उस्ताद मलिक बिलाल साहब का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने एक माहौल बना के बड़े दोस्तों को इकट्ठा किया, साथ उस्ताद सनाउल्ला साहब, हाफिज मानुल्ला साहब, हाफिज साहब, वो सारे दोस्त आए हैं माशाल्लाह बड़े खुशगवार मूड में और इंशाल्लाह ताला पहले से बेहतरीन होकर हम सारे गुस्से के साथ दूसरे चलेंगे जिस तरह पहले हैं। छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो उसको छोड़ के आगे चलना और चीज़ को लेके तो बड़ा फर्क है, चला तरह अच्छा लेके चलेंगे। जी भाई जी, जबरदस्त हो गया भाई, इंशाल्लाह ताला आप साहब आ गए, बेहतरीन शो होगा इंशाल्लाह। जी हमारे भाई अब्दुल जी, जितने ये उस्ताद बैठे हुए हैं मेरे लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, स्पेशली उस्ताद मुल्ला साहब, ये मेरे बड़े भाई हैं, तो बिला वजह का छोटा सा इशू था वो हमारा उसमें ख़त्म हो गया और इंशाल्लाह इंदा कभी भी नहीं होगा। जी हाफिज साहब तो इन्होंने थोड़ी जी गलत फहमी सी आपस च, वो अज दूर हो गई, कोई गल एजी है ही नहीं कि जी गलत फहमी बहुत ही लोगों ने पाई हुई सी खत्म हो गई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, उस्ताद सनाउल्ला साहब और हाफिज साहब माशाल्लाह बड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ हो जाती हैं घर में भी हो जाती है, इंशाल्लाह ताला उसको भी बंदा सॉर्ट आउट कर लेता है और ये भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, सारे भाई बैठे हैं और इंशाल्लाह ताला इत्तेफाक से सब चलेंगे। साथ सनाउल्ला के साथ बाजी लग गई है मेरी, तो इन्होंने मुझे बसा लिया, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसे खान साहब कहते हैं ना घबराना नहीं है, ये मुझे घबरा रहे थे, अल्लाह के कम से अब इनको शान चढ़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, देखे जी हम सारे कबूतर परवर भाई हैं एक दूसरे के, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इख्तलाफात भी होते हैं, फिर जब इकट्ठे बैठते हैं तो वो इख्तलाफात खत्म हो जाते हैं, ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है, आइंदा से इंशाल्लाह हम मिलके सारे शो करेंगे अच्छे तरीके से। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने तो पूरी कोशिश की थी बड़ों को मनाने की, उनकी मेहरबानी है वो मान गए हैं, हमारा माशाल्लाह जबरदस्त मिशन माशाल्लाह बड़े प्यार ना बड़े दोस्तों ना माहौल खुशगवार माहौल सारे मामला तय हो गए ने, तीन इंशाला लाहौर के जिन्हें वे कप ने सारे अगर साढ़े ग्रुप कराने तीन इंशाला तला हूं भी कप मिश्र का हो तीन इंशाला तला। जी मलिक साहब जी सामने बस जी, दोस्तों की गलतफहमी हो गई थी वो सब दोस्तों की जो उन्होंने कोशिश की है उसकी वजह से ख़त्म हो गई है, अच्छी बात है, अच्छे तरीके से शो होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरे चाचू की वजह से गलतफहमी हुई थी और दूर हो गई है, तो अब ये चाचू को फिर समझा दिया है, चाचू को समझा दिया, अब जी है ये कार्य खरगत करेगी जी। असला सब दोस्तों ने सुनने ठीक है बैठे ने भाई ने गलतफहमी हुई सी दूर हो गई, ठीक है दिमागी इंशाल्लाह ताला कोशिश करागा गोदरी ते सारा ये सारा मुद्दा मिरते हुए। एक मिनट जी जी हाफिज भाई, इंशाल्लाह मुश्तरका मिलके चलेंगे सारे हम लोग। हाँ जी 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 इंशाल्लाह आप की जो मुंशी है वो भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठे डालेंगे। नहीं नहीं
ਫਾਤਿਲ ਹੋਰ ਕੱਪ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਮਾਈਓ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਅਤਾਉਲਾ ਮਾਈਓ ਵਰਲਡ ਗੈਲਰੀ ਤੋਂ ਸੈਯਦ ਤੁਰਾਬ ਅਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਲਾਹੌਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਸਤਾਦ ਨਦੀਮ ਉੱਲਾ ਤਾਰਾ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਮਰਾਰਾ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਗੁੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਦੰਗਲ ਉਸਤਾਦ ਉਸਮਾਨ ਜਲਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕੱਪ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਖੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇ ਉਨਕਾ ਜੱਜ ਮੁਕਰਰ ਕੀਆ ਉਸਤਾਦ ਸਨਾਉਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਥੜੇ ਦੀਆਂ ਬਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਅਦਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕਾ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟੀ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯੂਨਿਟੀ ਤੇ ਦਿਖਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲ ਜਿਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਮਰ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਆਫਿਸ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਥੇ ਆਖਰੀ ਅਲਫਾਜ਼ਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਯੇ ਇਨਕਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਹਮਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ੇਖ ਅਤਰ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਕੇ ਨਾਮ ਸੇ ਜੋ ਵਨਡੇ ਉੜ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਐਂਟਰੀ 5,000 ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਕੱਪ 50,000 ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸਕੋ ਭਰਪੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀ ਜਾਏਗੀ ਯੇ ਸਭ ਹਮ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਂਗੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਡਾਏਂਗੇ ਜੀ ਆਪ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਮੁੱਲਾ ਤਾਰਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਲਕ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਾ ਕੀਤਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰਨੇ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਾਈਆਂ ਆਪਕੀ ਖਸੂਸਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਕਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਕਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮਾਨੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਦੋਸਤੋ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿਆ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਾਉਲਾ ਭਾਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਓਕੇ ਸਰ